आप लोगों को स्क्रीन पर एक फोटो दिखाई दे रही होगी और मुझे लगता है कि आप में से कई लोग इनके बारे में जानते भी होंगे। और आप लोगों को मालूम होगा कि ये जिस तरह से अपनी बात रखते हैं, जिस तरह से सरकारों की आलोचना करते हैं, इसलिए या तो टीवी चैनलों से ये निकाले जाते हैं या ऐसी परिस्थिति खड़ी कर दी जाती है कि इन्हें वो चैनल छोड़ना पड़ता है। जी हाँ, ये आपके पुण्य पिसून वाजपेयी साहब हैं। और आप देखते हैं कि सरकारों के कड़े आलोचकों में से एक माने जाते हैं। स्क्रीन पर आप लोग इनकी फोटो देख रहे हैं। आज हम लोग क्या करेंगे कि इनके बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेंगे, क्योंकि आप देखिए हमारे देश के प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, तो हमें इनके बारे में जानना भी चाहिए। और इनसे जुड़े कुछ विवाद भी हैं, उन विवादों को भी हम लोग देख लेंगे। तो स्क्रीन पर आप लोग देख लीजिए इनकी फोटो को, उसके बाद आगे चलते हैं। अगर हम इनके नाम की बात करें तो पुण्य पिरसोन वाजपेयी इनका नाम है। और उपनाम की बात करें, उपनाम आप सभी जानते हैं, आपने देखा होगा कि आपके घर का नाम कुछ और होता है, बाहर की दुनिया आप लोगों को किसी और नाम से जानती है, तो इनका उपनाम है प्रसून वाजपेयी। और अगर हम लोग जन्म तिथि की बात करें कि इनका जन्म किस तारीख को हुआ था, तो 18 मार्च 1963 को इनका जन्म होता है। और जन्म स्थान की बात करें कि कहाँ आखिर इनका जन्म हुआ था, तो मुजफ्फरपुर बिहार में इनका जन्म हुआ था। अब आप लोग कहेंगे कि बिहार दिखा दीजिए एक बार, क्योंकि आप देखते हैं बिहार काफी चर्चा में भी बना रहता है, शिक्षा के मामले में देख लीजिए या फिर आप देखिए बेरोजगारी के मामले में देख लीजिए, सबसे नीचे रहता है, यानी कि सबसे बुरी स्थिति रहती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बिहार आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, बिहार की राजधानी आप सभी जानते हैं पटना है। इससे अगर लगे राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। अगर बिहार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो नेपाल से इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। और इसे राज्य बनाने की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को बिहार को राज्य बनाया गया था। यहाँ विधानसभा सीटों की बात करें तो 243 देखने को मिलेगी, विधान परिषद सीटों की बात करें तो आप देखेंगे 75 सीट देखने को मिलेगी, राज्यसभा की बात करें तो 16 सीट देखने को मिलेगी, लोकसभा की बात करें तो 40 सीटें देखने को मिलेगी। मैं ये आंकड़े इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि आपकी परीक्षाओं में कई बार इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इस राज्य की सीमा किन किन राज्यों से लगती है, इस राज्य में कितनी सीटें हैं लोकसभा, फिर विधानसभा या विधान परिषद या राज्यसभा की। तो जब भी आप लोगों को किसी बिहारी राज्य की या इस तरह के राज्यों का वर्णन होता है, उल्लेख आता है, तो उस राज्य के बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग देख लिया करिएगा। बहुत ही साधारण रहता है, एक तरह से सरल रहता है, और लेकिन क्वेश्चन आसानी से आप लोग उसके आंसर भी दे पाएंगे। अगर हम लोग इनके पिता की बात करें तो मणिकांत वाजपेयी इनके पिता का नाम था। और धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म से हैं, और जाति की बात करें तो ब्राह्मण है। अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ धर्म जाति की बात क्यों की जा रही है, ये धर्म जाति की बात तो करना नेताओं का काम है, लेकिन ये आप कहिए कि एक तरह से कड़वा सच है हमारे देश में कि जब भी हम लोग किसी प्रतिष्ठित या चर्चित व्यक्ति के बारे में बात करने लगते हैं तो आप देखते हैं कि उसका धर्म और जाति जरूर देखी जाती है। आपने देखा होगा कि क्रिकेट में जब हम लोग हार जाते हैं, हमारी टीम हार जाती है, तो हम लोग धर्म जाति जरूर ढूंढने लगते हैं उसमें। या फिर आप देखिए नेताओं को देख लीजिए, तो मुझे लगता है कि इन लोगों के बारे में हमें जब भी बात करते हैं तो उसके उनके धर्म और जाति के बारे में जरूर देख लेना चाहिए। अगर हम लोग इनकी शिक्षा की बात करें तो शुरुआती शिक्षा मुजफ्फरपुर बिहार से होती है हाई स्कूल, और कॉलेज की बात करें तो नागपुर यूनिवर्सिटी से आगे की शिक्षा ये लेते हैं। और शैक्षिक योग्यता की बात करें तो डिप्लोमा मास कम्युनिकेशन में किया हुआ है इन्होंने। इनके अगर हम लोग शौक की बात करें, आपके भी शौक होते हैं, आप लोग देखते हैं किसी का शौक होता है कि सुबह से व्हाट्सअप फेसबुक चलाना, समझ रहे हैं आप लोग, तो इनका शौक पुस्तकें और उपन्यास पढ़ना है। अब अगर हम लोग काम की बात करें कि क्या काम करते हैं, क्या व्यवसाय करते हैं, तो आप सभी को मालूम होगा कि न्यूज एंकर हैं, पत्रकार भी हैं, संपादक हैं और लेखक भी हैं, तो आप कहिए कि एक तरह से मास्टर हैं। और अगर हम लोग बात करें कि आज हम लोग इनके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, इनके बारे में दिलचस्पी क्यों है हमें जानने की, तो आप सभी जानते हैं इनके पत्रकारिता के जीवन के कारण, पत्रकारिता के सफर के कारण। तो इनके सफर की बात करें तो वाजपेयी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया एजेंसियों के साथ काम भी किया हुआ है। इसमें आप देखिए जनसत्ता हो गया, संडे ऑब्जर्वर हो गया, ये संडे मेल भी हो गया, लोकमत हो गया, जी न्यूज हो गया, एनडीटीवी भी हो गया, आज तक भी है इसमें शामिल है। और आप देखिए इन चैनल से जुड़े रहे हैं, लेकिन ये जिस तरह से सरकारों की आलोचना करते हैं तो लंबे समय तक किसी न्यूज चैनल में ये नहीं रह पाते, या तो इन्हें निकाल दिया जाता है या आप सभी जानते हैं कि ऐसी परिस्थिति खड़ी कर दी जाती है कि इन्हें खुद छोड़ना पड़ जाता है।
वाजपेयी ने 1996 में आज तक के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपना करियर शुरू किया था, 1996 की बात करें, और साल 2003 तक वह वहां काम करते रहे। किसमें? आज तक में। और कई आप में से कई लोगों को फेवरेट चैनल भी होगा। फिर आप देखेंगे वे 14 महीने के कार्यकाल के लिए एनडीटीवी में चले जाते हैं। आजकल आप लोग रवीश कुमार को जानते हैं ना, वो एनडीटीवी से जुड़े हुए हैं, उनके बारे में भी आप लोगों ने बात की हुई थी। और याद रखिए, देश के जो भी सर्वश्रेष्ठ पत्रकार हैं या आप देखिए चर्चित पत्रकार रहे हैं, उनके बारे में हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं और उनके बारे में एक सामान्य जानकारी बताई जाती है। तो आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है जीवनी के नाम से, बायोग्राफी के नाम से। इसमें आपके जो भी अभी तक के प्रधानमंत्री रहे हैं, राष्ट्रपति रहे हैं और भी महापुरुष रहे हैं, उनके बारे में भी सभी क्लासें ली गई हैं, तो वहाँ जाकर आप लोग देख भी सकते हैं। फिर आप देखेंगे सन 2007-08 में वह सहारा समय की प्रधान संपादक भी थे और आज तक में लौटने से पहले उन्होंने जी न्यूज में 4 साल तक प्राइम टाइम एंकर और संपादक के रूप में काम भी किया हुआ है। और जी न्यूज भी आप लोग सुनते रहते होंगे, और आजकल जी न्यूज का क्या हाल है आप भी जानते हैं वो। और मुझे लगता है कि आज के समय में आप देखिए कि निष्पक्ष पत्रकारिता करना एक बहुत बड़ी मुसीबत भी है। आप देखिए अधिकतर चैनल या तो सरकार के गुलाम हो जाते हैं और जो नहीं होते हैं उन पर तरह तरह की दबाव डाले जाते हैं, कभी इनकम टैक्स हो उसी, पता नहीं कौन कौन सी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है। और आज के याद रखिए, ये हालत आज की सरकार की नहीं है, आज की पार्टी की नहीं है, ये हर पार्टी की जब भी सत्ता आती है वो दुरुपयोग इन एजेंसियों का जरूर करता है। फिर आप देखेंगे वाजपेयी ने अप्रैल में एबीपी न्यूज पर मास्टर स्ट्रोक की मेजबानी शुरू की थी, और इसमें आप देखेंगे कि लेकिन न्यूज चैनल पर कथित राजनीतिक दबाव के कारण 4 महीने बाद 1 अगस्त 2018 को उन्हें इस्तीफा दे दिया था। आपको बताया ना कि ये जिस तरह से अपनी बात रखते हैं और जिस तरह से आलोचना करते हैं सरकारों की, इसके कारण ये लंबे समय तक टिक नहीं पाते हैं। फिर आप देखेंगे फरवरी 2019 में वह प्रधान संपादक के रूप में सूर्या समाचार में शामिल होते हैं, जहां उन्होंने जय हिंद और सत्ता शो की मेजबानी भी की। हाल ही में उन्होंने सूर्य समाचार भी छोड़ दिया था। और 2015 में आपको बता दें कि वाजपेयी ट्विटर पर 10 सबसे सक्रिय भारतीय पत्रकारों में से एक भी थे, और आज भी आप देखेंगे ट्विटर पर काफ़ी ये सक्रिय रहते हैं, और अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है यूट्यूब चैनल पुण्य पिसुन वाजपेयी के नाम से, वहाँ भी आप लोग जाकर इन्हें सुन सकते हैं। और अभी उनका पुण्य पिसुन वाजपेयी का नाम का एक यूट्यूब चैनल, जिसे डिजिटल मीडिया कह लीजिए आप लोग, ये आप उस पर काम करते रहते हैं। अब बात आती है इनके लेखक की, तो आपको बता दूं कुछ किताबें भी इन्होंने लिखी हुई हैं। एक किताब का नाम है राजनीतिक जान, राजनीति मेरी जान। एक किताब का नाम है डिजास्टर मीडिया एंड पायरेनिया, आपदा मीडिया और राजनीति। एक किताब का नाम है लोकसभा बीमारियां या फिर नजरों का धोखा, संसद लोकतंत्र या नजरों का धोखा। एक इनकी किताब का नाम है आदिवासियों का, आदिवासियों पर टाड़ा। एक किताब है इनकी आरएसएस संघ का सफर और अन्य। इन किताबों को आप लोग चाहें, अगर आप लोगों को ये पसंद है तो आप लोग इन किताबों को पढ़ भी सकते हैं। वह हिंदी में कई दैनिक और साप्ताहिक समाचारों और साहित्यिक विकासनों के लिए लेख भी लिखते हैं, एडिटोरियल भी लिखते हैं, जिनमें से कई उनके ब्लॉग पर भी प्रकाशित होते हैं, तो वहाँ भी आप लोग देख सकते हैं। अब आप देखिए, आप लोग अगर अच्छा काम करते हैं तो एक दिन आप लोगों को पुरस्कार सम्मान भी दिया जाता है, ये स्वाभाविक सी बात होती है। तो आपको बता दूं कि सन 2001 में भारतीय संसद हमले के दौरान उन्हें अपने काम की पहचान तब मिली जब उन्होंने लगातार 5 घंटे तक लाइव एंकरिंग की हुई थी। 2001 में आप लोगों ने देखा ना, संसद पर हमला हुआ था, उसी की बात की जा रही है। और उन्होंने 2005-06 और 2007-08 में हिंदी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार भी जीता था। और याद रखिए, ये क्वेश्चन हो सकता है कि आप अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाए। वह एकमात्र पत्रकार हैं जिन्हें टीवी और प्रिंट में 2 बार यह पुरस्कार मिल चुका है। कौन सा? रामनाथ गोयनका पुरस्कार। अब विवाद की बात करें तो आपको बता दूं, आप जब किसी तरह के प्रतिष्ठित व्यक्ति रहते हैं या चर्चित व्यक्ति रहते हैं, आप राजनेता हों पत्रकार हों, तो आप पर आप देखिए विवाद का जुड़ना आप लाजमी हो जाता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कुछ आपके नापसंद करने वाले होंगे, पसंद करने वाले होंगे, आपके प्रशंसक होंगे, आलोचक भी होंगे।
तो इनके विवाद की अगर हम लोग बात करें तो पुण्य पिसून वाजपेयी तब विवादों में आए थे जब एक लीक हुए वीडियो में पुण्य पिसून वाजपेयी आम आदमी संस्थापक अरविंद केजरीवाल के साथ अनैतिक मीडिया हथकंडे अपनाते हुए पाए गए थे, और उस समय आप देखेंगे इनकी काफी आलोचना भी की गई थी, और सरकार की नाक में दम कर देने वाली पत्रकारिता के चलते पुण्य पिसून वाजपेयी आज तक और एबीपी न्यूज से छुट्टी भी दी गई थी इन्हें, यानी कि निकाला भी गया था इन्हें। और मीडिया रिपोर्ट की अगर हम लोग बात मारें तो बिस्कुट कंपनी पिया गोल्ड और सूर्या समाचार चैनल के मालिक पर सरकार और सत्ताधारी दल बीजेपी से जुड़े कुछ दिग्गज नेताओं का दबाव बढ़ता रहा था, जिसके चलते मैनेजमेंट ने पुण्य पिसून वाजपेयी और उनके करीब 25 सहयोगियों की छुट्टी कर दी थी। और आज के समय में आप देखिए अधिकतर आपके टीवी चैनल हो या पत्रकार हो गुलाम बन जाते हैं सरकारों के, क्योंकि देखिए सच के रास्ते पर चलना बड़ा मुश्किल होता है। वो कहते हैं कि सत्य की जीत होती है, लेकिन मेरा मानना है कि सत्य की जीत तो बाद में होती है, लेकिन उससे पहले उसे कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है आप सोच भी नहीं सकते। और इसीलिए आप देखते हैं कि कोई अधिकारी हो, नेता हो, ईमानदार या कोई पत्रकार हो, कोई और व्यक्ति हो, वो भ्रष्टाचार में आसानी से लिप्त हो जाता है। क्योंकि आप देखिए आज के समय में क्या स्थिति है हमारे देश की, आप सभी लोग बेहतर जानते हैं मुझे, और जग जाहिर भी है, आप समझ रहे हैं। और आज आप देखिए कि आज की टीवी चैनल, कांग्रेस के समय आप लोग चले जाइए जब यूपीए की सरकार थी, तो उस समय कुछ यूपीए सरकार के गुलाम हुआ करते थे, समझ रहे हैं। तो आज की सरकारों जो भी सरकार आएगी उसके गुलाम बनते रहेंगे, उन्हें तो एक तरह से आप कह सकते हैं अपना धंधा चलाना है, और धंधा आपका तभी चल सकता है जब आप सरकारों से मिले रहते हैं और सरकारों को फायदा देते हैं और आपको भी सरकारें फायदा देती रहती हैं। तो बताइएगा और किसी के बारे में अगर बात करनी हो तो करते रहेंगे हम लोग, ठीक।